हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में शुरुआत यहां से होती है कि जब हस्बैंड अपनी तरफ से कोशिश करता है वाइफ को वापस लाने की, और इसके लिए वो कोई नोटिस उसको भेजता है या फिर सेक्शन 9 की पिटीशन डालता है या फिर अलग होने के लिए डाइवोर्स की पिटीशन डालता है, तो वो पिटीशन जब वाइफ को रिसीव होती है तो वो उसके काउंटर में वुमेन सेल में जाकर के हस्बैंड के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे देती है। और वहां पर जो काउंसलिंग होती है उसमें वो आकर ये कह देती है कि मैं पुलिस से कार्रवाई चाहती हूं, और इसके बाद हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ मामला था, यहां पर भी हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी अंडर सेक्शन 498A, 406, 34 और सेक्शन 377 में। अब दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि इसके साथ साथ वाइफ कुछ और मुकदमे भी कर देती है, जैसे कि मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC का मुकदमा कर सकती है या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी कर देती है। अब दोस्तों, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर हो गए और आपके मामले चलने लगे। कुछ टाइम इसमें गुजर गया, 1 साल 2 साल गुजर गए। अब दोस्तों, पति कोशिश करता है कि भाई किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो जाए और वो इससे बाहर निकल आए और उनका जो टाइम है, बहुमूल्य समय है जीवन का, वो भी बच जाए। अब इसके लिए वो वाइफ से बार बार बात करता है, कहीं जाकर के मान लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स पर बात बन जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि यदि अब इस स्टेज पर म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है तो जो पहले से FIR दर्ज हो रखे हैं और केस हो रखे हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों, ये जजमेंट कुछ इसी तरह का है और ये आपको रिलीफ भी देगा, इसलिए पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पर दोस्तों, वैसे आप सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, इसीलिए आज हमारे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। अब दोस्तों, इस मामले में दोनों ही पक्षों के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स होना तय हुआ, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया जिसमें सारी शर्तें आ गई और 8 लाख रुपए पे सेटलमेंट हुआ, यानी जो पति है वो पत्नी को 8 लाख रुपए देगा और मामला खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हुई और 1 मार्च 2021 को म्यूचुअल डाइवोर्स फाइनल भी हो गया। अब दोस्तों, जब म्यूचुअल डाइवोर्स फाइनल हो गया, लेकिन इससे कुछ समय पहले जो FIR दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, वो मामला अभी भी चल रहा था, तो ऐसे में जो पति था वो इसकी क्वेश्चनिंग के लिए गया। अब क्वेश्चन के टाइम पर उसने कोर्ट को बताया कि ऐसे ऐसे उनके बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था और म्यूचुअल डाइवोर्स भी हो चुका है, और उसमें क्लियर है कि उसने 8 लाख रुपीज उसको टोटल दे दिए हैं और अब उसका कोई भी क्लेम शेष नहीं है, और ये जो वाद है ये भी मैट्रिमोनियल मामले से ही संबंधित था, इसलिए इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, वहां पर जो कंप्लेनेंट थी यानी वाइफ थी, वो भी हाजिर हुई और उसने भी इस बात के लिए हामी भरी, उनके बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका है, 8 लाख रुपए पे सेटलमेंट हो चुका है और उसका किसी भी प्रकार का क्लेम अब बाकी नहीं है, ये मामला मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है और अब वो नहीं चाहती कि इसमें इनको किसी भी तरह की सजा हो। वो एक पढ़ी लिखी महिला है, खुद डॉक्टर है, इसलिए समझती है कि वो कोर्ट के सामने क्या कह रही है और उसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज को जानने के बाद कोर्ट को लगा कि अब इस मामले को चलाना अननेसेसरी होगा, अनावश्यक होगा, केवल समय खराब होगा पार्टीज का और कोर्ट का, और इसलिए जो कोर्ट है उसने इस मामले को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि यदि अब आपका म्यूचुअल डाइवोर्स का सेटलमेंट बन जाता है और म्यूचुअल डाइवोर्स आपका फाइनल हो जाता है दोनों पार्टियों की रजामंदी से, तो इसके बाद उस म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पर और म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री के बेस पर, और वाइफ भी यदि आपका साथ देती है, वो जाकर के इस बात को एग्री करती है, तो आपके जो मामले हैं यानी क्रिमिनल मामले हैं जिनमें FIR दर्ज हुई थी उनकी क्वेश्चनिंग हो सकती है, और जो मेंटेनेंस वगैरह के मामले हैं, DV के मामले हैं, उनको वाइफ अपनी सहमति से विड्रॉ कर सकती है। तो जब भी आपका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो जनरली उन मामलों को तो वाइफ के द्वारा जाकर के विड्रॉ कर लिया जाता है, लेकिन फंसता वो मामला है जो क्रिमिनल होता है जिसमें FIR दर्ज हुई होती है, वो भी ऐसे मामलों में जनरली क्वैश हो जाती है। दोस्तों, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी 19 अप्रैल 2021 को आया है। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।